मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम दो ऑफिसर को देखते हैं जो रिवर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वो देखते हैं कि एक शिप वहीं पानी में खड़ी हुई है जिसमें उन्हें कोई भी हलचल नहीं दिखती है। जिसके बाद वे लोग मेगाफोन से उस शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वे लोग उस शिप पर जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पहुँचने पर उन्हें शिप पर कोई भी नजर नहीं आता है और तभी एक ऑफिसर पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब वो ज़ॉम्बी दूसरे ऑफिसर को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे गन से शूट कर देता है और वो ज़ॉम्बी वही नदी में गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक अखबार के ऑफिस में, जहाँ हमें पीटर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसे उसका बॉस रियूर में हुए ज़ॉम्बी अटैक को लेकर उस पर रिसर्च और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एक और हम उस शिप के ओनर की बेटी एना को देखते हैं जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन एना बताती है कि उसके पिता कुछ महीने पहले ही किसी मातुल नाम के आइलैंड पर गए थे और जिसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं है और एना ये भी नहीं जानती है कि उनके पिता के साथ उस आइलैंड पर क्या हुआ था। वहीं एक और कुछ डॉक्टर उस पुलिस वाले की बॉडी को देख रहे होते हैं और वो उसकी बॉडी को देखकर हैरान है क्योंकि उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी है और उसे ज़ॉम्बीज ने बहुत ही बुरी तरह काटा है और वो डॉक्टर उस बॉडी को देख भी नहीं पा रहे थे। इधर हम एना को देखते हैं जो रात के समय चोरी से उस शिप में घुस जाती है क्योंकि वो वहाँ पर जाना चाहती है और आखिर जानना चाहती है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ, लेकिन तभी उसे वहाँ पीटर भी मिलता है जो वहाँ उस शिप पर एक रिपोर्ट तैयार करने आया था और वो एना को बताता है कि उसे उसके डैड का एक खत मिला है और वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए एक डील करते हैं जिसमें पीटर एना के फादर को ढूंढने में मदद करेगा और एना पीटर की मदद उसकी रिपोर्ट बनाने में करेगी। अब अगले दिन पीटर एना को बताता है कि जो खत उसे शिप से मिला था उसमें एना के डैड ने लिखा था कि वो एक आइलैंड पर है और उन्हें एक भयानक बीमारी लग गई है और वो उस बीमारी के इलाज तक वहीं पर रहेंगे और वहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी है जो उसका साथ दे रहा है। जिसके बाद अब एना भी मातुल आइलैंड पर जाने का मन बना लेती है और उसके साथ पीटर भी जाता है और फिर वे दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड पर जाने के लिए उन्हें एक शिप और एक गाइड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि मातुल आइलैंड कहाँ पर है। जिसके बाद वो लोग लोकल गाइड ब्रायन के पास पहुँचते हैं और वो उसे मातुल आइलैंड जाने का कहते हैं, लेकिन ब्रायन उस आइलैंड पर जाने से मना कर देता है और कहता है कि उस आइलैंड पर बहुत ही खतरा है और इस सीजन तो वो लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैली हुई है और वो इस समय पीक पर है। लेकिन पीटर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे देने का कहता है और फिर ब्राउन भी लालच में उसकी बात मान लेता है और वो अपने गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ वहाँ से मातुल आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर मेनार्ड को देखते हैं जो मातुल आइलैंड से यूएसए की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें सरकार ने यहाँ पर भेजा था और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है। दरअसल डॉक्टर मेनार्ड इस आइलैंड पर बहुत दिनों से उस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे जो इस आइलैंड पर फैल चुकी है और उसके साथ ही उसकी वाइफ भी बहुत दिनों से इस आइलैंड पर फंसी हुई है जो मेनार्ड को वहाँ से वापस जाने का कहती है और इसी कारण उन दोनों के बीच आए दिन लड़ाई होने लगती है। लेकिन डॉक्टर मेनार्ड वहीं रुककर इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिसमें एना, पीटर और ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन मातुल आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सुजैन उन सभी लोगों को बोट में छोड़ अकेले ही डाइविंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है और वो वहाँ से वापस बोट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और अब वो मदद के लिए ब्रायन को आवाज लगाती है और ब्रायन अपनी गन से उस शार्क को शूट करने लगता है, लेकिन वो शार्क सुजैन का पीछा नहीं छोड़ती है। इसके बाद सुजैन पानी के अंदर ही एक जगह छिप जाती है, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है जो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद सुजैन किसी तरह अपने आप को बचाकर वापस बोट पर ले आती है और अब हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी अब उस सार को खाने लगा था। इधर हम डॉक्टर मेनार्ड को देखते हैं जो अपने मरीजों को देख रहा है और वो देखता है कि उसके मरीजों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तभी वहाँ पर लुकास नाम का एक आदमी आता है जो मेनार्ड को बताता है कि अब ये बीमारी पूरे आइलैंड पर फैल चुकी है, इस कारण लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और वो डॉक्टर को कुछ करने का बोल वहाँ से चला जाता है। अब इधर डॉक्टर मेनार्ड भी एक रूम में जाकर एक डेड बॉडी को गन से शूट कर देते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी अब एक ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी। इधर हम देखते हैं मेनार्ड की वाइफ को जो घर में अकेली है और उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन मेनार्ड की वाइफ अपने आप को बचाकर एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी दरवाजे से उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगता है और उसकी एक आंख को टूटे दरवाजे की लकड़ी से फोड़ देता है। वहीं एक तरफ हम एना और उसके साथियों को देखते हैं जिनकी वो बोट अब किसी वजह से खराब हो चुकी थी और वो लोग वहीं फंस चुके थे, लेकिन ब्रायन फ्लेयर गन को यूज कर आइलैंड पर एक सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल को लुकास देख लेता है और वो जाकर डॉक्टर मेनार्ड को बताता है कि इस आइलैंड पर कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है। जिसके बाद डॉक्टर मेनार्ड खुद ही उस ओर चले जाते हैं और वहीं लुकास एक नर्स के साथ कुछ बॉडीज को दफन करने लगता है जिससे कि वे डेड बॉडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट ना हो जाएं। अब इधर डॉक्टर मेनार्ड भी एना और सभी लोगों को ढूंढ देता है और उन्हें उसके घर ले जाने लगता है, जहाँ एना उसे अपने फादर के बारे में पूछती है।
जिसके बाद डॉक्टर मेनार्ड बताता है कि उसके डैड और वो खुद इस आइलैंड पर बहुत पहले आए थे और वो इस बीमारी का इलाज खोज रहे थे, लेकिन उसके डैड ने इस बीमारी के इलाज को ढूंढने के लिए अपने आप को ही वॉलंटियर बना लिया, जिस कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ने लगा और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और ऐसे ही एक दिन उनकी मौत भी हो गई। लेकिन वो उनकी डेड बॉडी को दफन नहीं कर सका, लेकिन एक दिन जब वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे तो उसे उन्हें मारना पड़ा। अब ये सब सुन एना को बहुत दुख होता है और एना उससे पूछती है कि यहाँ के लोग ज़ॉम्बी क्यों बन रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टर मेनार्ड बताता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये कोई सुपरनेचुरल पावर के कारण हो रहा है। और अब वो लोग डॉक्टर मेनार्ड के घर पहुंचते हैं और डॉक्टर उन्हें वहीं छोड़ हॉस्पिटल चला जाता है। अब जैसे ही वे लोग मेनार्ड के घर में एंटर करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज मेनार्ड की वाइफ की बॉडी को नोच नोच के खा रहे हैं और वो लोग ये सब देख डर जाते हैं और वो वापस अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एकदम से रास्ते में उनका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है, जिस कारण ब्रायन उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। अब इस एक्सीडेंट में पीटर के पैर में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाता, जिसके बाद वो लोग वहीं एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं और ब्रायन और सुजैन भी वहाँ से एक सेपरेट जगह जाकर आराम करने लगते हैं। इसी बीच एना भी पीटर को लाइक करने लगी थी क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था। अब पीटर और एना बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी एना के बाल को पकड़ लेता है और एक ज़ॉम्बी पीटर का पैर। अब ये देख वो दोनों डर के कारण चिल्लाने लगते हैं और ब्रायन भी सुजैन को वहीं अकेला छोड़ उनकी तरफ भागता है। इसी दौरान सुजैन के पास भी एक ज़ॉम्बी जमीन से निकलता है और सुजैन को काटने लगता है। दरअसल जिस वो आराम कर रहे थे वो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर बाहर आ रहे थे। अब ब्रायन भी एना और पीटर को बचाकर सुजैन के पास पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि सुजैन को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ रखा है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को गन से शूट करने लगता है, लेकिन गन का उस पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद ब्रायन उस ज़ॉम्बी को एक कुल्हाड़ी से काट देता है और ब्रायन सुजैन की ऐसी हालत देखकर इमोशनल हो जाता है, जिसे एना और पीटर संभालते हैं। और अब वे लोग सुजैन को वहीं छोड़ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस कब्रिस्तान से बहुत सी बॉडी बाहर आ रही है और ज़ॉम्बी बनते जा रही है, जिसके बाद वो लोग भागने लगते हैं और किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस हॉस्पिटल के दरवाजे को अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वहाँ कोई ज़ॉम्बी ना आ सके। अब डॉक्टर मेनार्ड उन सबको पास में रखे हुए पेट्रोल से एक विस्फोटक बनाने का कहता है, जिससे वो लोग ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे और उन्हें वहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे। अब डॉक्टर मेनार्ड भी उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का एक पेशेंट ज़ॉम्बी बन जाता है और वो डॉक्टर मेनार्ड पर अटैक कर देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। अब इसके बाद ब्रायन वहाँ आकर देखता है कि डॉक्टर भी मारे जा चुके हैं और फिर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के सारे लोग खत्म हैं और केवल एना, ब्रायन और पीटर ही बचे हुए थे, जिसके बाद वे लोग उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ते ही जा रही थी और फिर उन सभी को लगता है कि बाकी लोगों की तरह वो लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज में ब्रायन की गर्लफ्रेंड सुजैन भी थी, जिसे ब्रायन मार नहीं पाता, लेकिन ज़ॉम्बी बन चुकी सुजैन अब ब्रायन पर हमला कर देती है, जिसे वो घायल हो जाता है। और अब पीटर सुजैन को गन से शूट कर देता है और अब वो लोग घायल ब्रायन को लेकर वहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। तभी रास्ते में ब्रायन की भी मौत हो जाती है और वो लोग ब्रायन को एक रूम में बंद कर देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ब्रायन की बॉडी को देखकर उनकी गवर्नमेंट को मातुल आइलैंड की हालत के बारे में पता चलेगा। और अब वो लोग कुछ देर बाद न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अब पूरे न्यूयॉर्क में भी ये पेंडेमिक फैल चुकी है और वहाँ के लोग भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।